शनाख्ती कार्ड 2 से 3 हजार रुपए वोट के लिए दिए। मुलजिम का इतराफ, तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, सेहत के पेशे से वाबस्ता हूँ, मुलजिम की जानिब से बताया गया है। लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया है। PP 168 में PTI के लिए शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने का इंकशाफ। फी शनाख्ती कार्ड 2 से 3 हजार रुपए वोट के लिए दिए हैं, जबकि मुलजिम की जानिब से एतराफ भी कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, सेहत के पेशे से वाबस्ता हूँ, मुलजिम की जानिब से एतराफ भी कर लिया गया है। लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया है। PP 168 में PTI के लिए शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने का इंकशाफ हुआ है। फी शनाख्ती कार्ड 2 से 3 हजार रुपए वोट के लिए दिए हैं, मुलजिम का एतराफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर खालिद हुसैन है। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और साथ में सियासी वर्कर हूं। कौन सी पार्टी? मेरा तलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये क्या चीज़ है? ये सर शनाख्ती कार्ड है जो कि हल्के के वोटर्स के। कौन से हल्के? जी हल्का 168 है, 168। क्यों इकट्ठे किए? जी सर क्यों इकट्ठे किए? ये सर लोगों के जो है ना कुछ डिमांड थी कि हमें पर कार्ड उनके साथ डील हुई थी कि हमें आप इतने दें तो हम वोट डालेंगे, तो इस सिलसिले में उनसे हमने ये कार्ड इकट्ठे किए थे। तो ये जो है ना इससे 2 हजार और किसी को 3 हजार देना था। क्या नाम है आपका? 4 रुपए वोट के लिए दिए हैं, मुलजिम का एतराफ। तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, सेहत के पेशे से वाबस्ता हूँ, मुलजिम की जानिब से एतराफ कर लिया गया है। एक्सक्लूसिव फुटेज 7 न्यूज की स्क्रीन पर, मजीद तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक बताएगा कैसे पकड़ा गया ये मुलजिम? जी बिल्कुल, जिम्मी इलेक्शन कैंप का सिलसिला जारी है, क्योंकि 17 जुलाई को होने वाले जिम्मी इंतखाबात के हवाले से एक शख्स को पकड़ा गया जिसने अपना नाम खालिद बताया और खालिद के कब्जे से तकरीबन 1000 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड मिले। जब उसको पूछा गया तो उसने बताया कि उसका ताल्लुक PP 168 से है और PTI का कारकुन हूँ। तमाम शनाख्ती कार्ड जो है उससे तब्दील में ये बताया कि तमाम लोगों से जिनसे उन्होंने तो उससे ये शनाख्ती कार्ड लिए, किसी को 2 हजार, किसी को 3 हजार, बल्कि किसी को 5 हजार रुपया दिया है और कुछ लोगों ने अपनी डिमांड रखी थी और उन डिमांड के हवाले से ये शनाख्ती कार्ड जमा किए गए हैं और ये बिल्कुल खरीदे गए हैं शनाख्ती कार्ड और इनसे वोट दिलवाए जाएंगे। जबकि मजीद तब्दील से उसने बताया कि PTI का मैं कारकुन हूँ और इलेक्शन जीतने के लिए क़यादत की तरफ से ये कहा गया था कि जिन लोगों को पैसे चाहिए, जो लोग अपना वोट बेचना चाहते हैं और उनसे शनाख्ती कार्ड खरीदे जाए और उनसे वोट दिलवाया जाए, क्योंकि उसका उसने मजीद बताया कि वो महकमा सेहत से उसका ताल्लुक है और PTI का कारकुन हो। इस हवाले से कुछ खालिद नामी शख्स से तमाम शनाख्ती कार्ड जो है वसूल कर दिए गए हैं और उससे मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि मुलजिम की जानिब से तो एतराफ कर लिया गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, क्या कहना है इलेक्शन कमीशन का इस पर? जी ये अभी वाक्य पेश आया है और मुलजिम को तो पकड़ लिया गया है और उसके कब्जे से शनाख्ती कार्ड भी जो है वो ले लिए गए हैं और मुतलका अदारों को जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम शनाख्ती कार्ड की लिस्ट बनाई जाएंगी और एहकाम का कहना है कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड इसके पास मौजूद है उनसे पूछा जाएगा कि कहीं ये शनाख्ती कार्ड, क्योंकि इसने जो बयान दिया है उसके मुताबिक इसका कहना है कि 2, 3 और 5 हजार में इसने शनाख्ती कार्ड खरीदे हैं, लेकिन ये इसका कहना है। इसके अलावा जिन लोगों की शनाख्ती कार्ड है उनको भी बुलाकर पूछा जाएगा और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन को ये सारा मामला जो है वो भेज दिया जाएगा, जो बाद कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये भी कहेगा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा था, अब एक मुलजिम सामने आया है जिसने ये कहा है कि उसका ताल्लुक PTI से है, तो PTI के किसी रहनुमा का बयान आया है इस पर? जी मैंने कोशिश की बात करने की, तो PTI के कारकुन और जो रहनुमा है वो इस बात पर अभी तक वो मान नहीं रहे इस बात को, हालांकि मुलजिम की वीडियो जो है वो सामने आ गई है और उसके बाद मुलजिम ने खुद वीडियो में इतराफ किया है और बताया है कि मैंने
कितने में क्या और कहाँ से खरीदा है, इलेक्शन जीतने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो है एक दो लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि इलेक्शन में ये सब होता है और इस तरह से इलेक्शन जो है वो जीते जाते हैं। और आप देख रही हैं कि इस शख्स ने बिल्कुल व्यापारी की तरह ना सिर्फ हिरासती कार्ड खरीदे बल्कि लोगों को जो है वो पैसे भी दिए हैं। और मुतवजा एहसान तौर से ये कहना है कि दूसरी तरफ से भी जिन लोगों के हिरासती कार्ड हमारे पास मौजूद है उन लोगों को भी बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि कहीं ये हिरासती कार्ड इससे छीने तो नहीं, ना किसी प्रेशर के तहत तो उनसे बाहर नहीं दिए गए, और इस हवाले से जो है वो मुफसल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी ठीक है, इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करने के बाद ही इलेक्शन कमीशन को ये मामला सौंपा जाएगा। मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया है। पीपी 168 में पीटीआई के लिए शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने का इंकशाफ हुआ है। फी शनाख्ती कार्ड 2 से 3 हजार रुपए वोट के लिए दिए गए मुलजिम की जानिब से एतराफ कर लिया गया है। इससे 2 हजार और किसी को 3 हजार देना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर। क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और साथ में सियासी वर्कर भी। कौन सी पार्टी? मेरा तलक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। तो ये क्या चीज है? ये सर शनाख्ती कार्ड है जो कि हल्के के वोटर्स के। कौन से हल्के? जी हल्का 168 168। क्यों इकट्ठे किए? जी सर क्यों इकट्ठे किए? ये सर लोगों के जो है ना कुछ डिमांड थी कि हमें पर कार्ड उनके साथ। लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया है। पीपी 168 में पीटीआई के लिए शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने का इंकशाफ हुआ है। फी शनाख्ती कार्ड 2 से 3 हजार रुपए वोट के लिए दिए मुलजिम का एतराफ। न्यूज स्टूडियो से इतना ही, और आप देखते रहिए 7 न्यूज HD।